गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा श्रीवास्तव व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है 6 फरवरी, संडे का दिन और शाम का टाइम हो रहा है, चाय का टाइम है। तो मेरे यहाँ कुछ इवनिंग स्नैक्स बना है, तो चलिए देखते हैं क्या बना है। तो गाइस, मटर आलू बना है स्नैक्स में और बना रही हूँ इसके अलावा मैं पालक के पकौड़े। चलिए, और चाय मेरी रेडी है, तो मैं गैस ऑन है। अब मैं आपको पालक के पकौड़े भी बनाती हूँ साथ में खाते हैं। तो पालक के पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है और इसमें मैंने हल्दी ऑलरेडी डाल रखी है। अब मैं इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, पालक में वैसे भी नमक पाया जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी जो मैंने पहले से काट रखी थी, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने चटनी से हम लोगों को पकौड़े खाने हैं तो थोड़ी ही डालेंगे, और रायना भी खाती है, रायना को तीखा लगता है। और बस अब मैं पालक के पकौड़े बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पालक के पकौड़े क्रिस्पी रहें। इसके लिए मुझे बेसन जो है कम और पालक के पत्ते हमें ज़्यादा लेने हैं, इससे पालक के पकौड़े क्रिस्पी बहुत अच्छे बनेंगे। और इस पालक को मैंने पहले धुल लिया, अरे पहले काट कर फिर अच्छे से धुल लिया था, और फिर मैंने इसको पानी निकालने के लिए छन्ने वाले बर्तन में रख लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको मिक्स करके बस पकौड़े निकालूंगी प्लेट में। इसको मैं मिलाती जाऊंगी और पानी जितनी जरूरत होगी उतना ही डालूंगी। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं पालक के क्रिस्पी, और टमाटर हरी धनिया वाली चटनी पीसी है उसके साथ तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। गर्मा गर्म पकौड़े, चाय और मटर आलू साथ में पालक रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पालक के पकौड़े बनाते हैं। गोभी और प्याज आलू इन सब के मैं काफ़ी बना चुकी हूँ इस बार। ठंड में वैसे भी पकौड़े वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों को कैसे लगते हैं फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट करके। तो ये मिक्सचर मेरा तैयार हो गया पालक और बेसन का, अब मैंने पकौड़े निकालूंगी। हाथ से निकाल लें, इससे अच्छे शेप बनेंगे। पालक के पकौड़े मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, ये पक रहे हैं, और ये मटर आलू भी मैंने गरम करने के लिए गैस ऑन कर दी है कि गरम हो जाए, और चाय को भी मैं गरम करके फिर निकालूंगी। मटर आलू बन चुका है, अब मैं इसमें मैंने मटर आलू में जीरे से तड़का मारा है और हरी मिर्च से, और नमक डाल दिया था और ढक दिया था, भाप से पक गया, पानी नहीं डाला। अब ये मटर आलू पक चुका है, इसमें मैं ऊपर से पकने के बाद हल्का सा गरम मसाला, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और ऊपर से जब मैं तो अभी गार्निश करूंगी, थोड़ा ये भुन जाएगा तो मैं हरी धनिया से गार्निश कर दूंगी, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे मटर आलू ये। देख सकते हैं ये भुन रहा है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है।
लोगों के यहाँ पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। ये देख सकते हैं एक तरफ पकौड़े पक चुके हैं, अब मैं पलट रही हूँ सारे पकौड़ों को दूसरी तरफ भी रेड हो जाएं। ये येलो येलो से दिख रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी पकौड़े में। मैं पकौड़े बनाते समय हल्दी यूज़ करती हूँ, वो ही पकौड़ा हो तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं। और ये मैंने हरी धनिया और टमाटर की चटनी भी बना रखी है, ये देखिए पकौड़े के साथ खाने के लिए, ये धनिया गार्निश करने के लिए। सभी चीज़ें रेडी हैं, बस नहीं कप में फिर साथ में पकौड़े और वो मटर आलू भी निकाल के चाय निकल चुकी, पकौड़े भी मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, सर्विंग प्लेट में। मैंने गैस ऑफ कर दिया, मैं पकौड़े गर्म गर्म निकाल रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। आप लोग भी गरम पालक घर में हो, अगर सब्जी तो बनती ही है, सकपैता बनता है, इसकी बहुत सी डिशेस बनती है, पकौड़े भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं मटर आलू भी निकाल रही हूँ बोल में। तो आप देख सकते हैं पकौड़े प्लेट में निकल चुके हैं, बाउल में जो है मटर आलू और चाय ट्रे में तैयार है ये चटनी। अब मैं बस इन पर धनिया, हरी धनिया गार्निश कर देती हूँ मटर आलू में, इससे अधूरे नहीं लगेंगे, नहीं तो ये मटर आलू अधूरे हैं, इनका टेस्ट अधूरा है बिना धनिया के। ये लीजिए मैंने कर दिया, अब मैं टन टन आ गया आप लोगों का इवनिंग स्नैक्स मटर आलू पकौड़ी। ये देखिए गर्मा गर्म। हेलो फ्रेंड्स, तो रायमा से मिलिए फ्रेंड्स। हाँ पालक की पकौड़ी, ये चटनी, ये इस बाउल में लीजिए दीदी, इस प्लेट में ले लीजिए पकौड़े, और ये रायमा इसमें पकौड़े लो। हाँ दीदी को दो और बाद में ले लिया, अभी और बनाएंगे, अभी काफी रखा हुआ है ये। और ये मैं सबसे पहले ट्राई करने वाली पकौड़े, ये चाय दीदी रायना, तुम तो चाय पियोगी नहीं। और तो फ्रेंड्स मैं हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, पकौड़े एंजॉय करने और मटर आलू और गर्मा गर्म चाय। तो आप लोगों को आज का व्लॉग, टेस्टी इवनिंग स्नैक्स संडे कैसा लगा,